बोलते हैं विक्की की, है, की दोस्तियाँ जितनी भी रही है मैं इंटरफेयरिंग रही हूँ लेकिन ऐसा कभी रहा नहीं है फ्रॉम डे वन सना से इनकी दोस्ती रही है मुझे कभी कोई प्रॉब्लम रही है खानजादी से रही है मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे ईशा से दोस्ती रही है मुझे कभी कोई प्रॉब्लम रही रही नहीं रही। उसका वन ऑफ द रीजन ये था मुझे वो लोगों ने कभी चढ़ाया नहीं इस दोस्ती को लेकर मनारा ने हमेशा एक अलग टोन में अलग कोकिंग में ये मैं फील कर सकती वूमेन में ये कर सकती क्योंकि मेरा मुना राइट क्योंकि मेरा और मनारा का एक झगड़ा रहा है हमेशा से तो यह दिए हमेशा दिए दिए ये मैंने फील, फील किया है और मुझे ऐसा लगता है मनारा का, का एक टोन होता होता है तरीका होता है 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 तरीका जब उसको पता है कि यू नो आज अंकिता से मैं विकी से मेरी प्रॉब्लम भैया ठीक कर उनका तो मुझे मुझसे बात मत करिएगा

विक्की वो देते दे पानी विक्की बोले आ, मैं हेल्प हुआ चॉपिंग कर रहा हूँ सिर्फ हेल्प नहीं कर रहा ठीक है मनारा यहाँ खड़ी है आ, विक्की भाई मुझे वो पास कर दीजिएगा अंकिता ने बोला आ, विक्की आ, सिर्फ चॉपिंग में हेल्प नहीं करेगा विक्की भाई ने बोला मैं करूंगा मेरी दोस्त है <laughs> <laughs> तो अंकिता ऐसे खड़ी हुई है तो मनारा ने ऐसे किया देखा अंकिता जी वो करेंगे हेल्प मेरी

कि मैं एक रिलेशनशिप में चीज़ें सही नहीं जाने की वजह से बहुत सारी चीज़ें अलग होने के बावजूद भी चलते रहती थी और वो एक आपकी एक पर्सनल प्राइवेट लाइफ है और फैंस मुझे ये नहीं बोलते कि भाई आज तुम कहाँ खाने क्या जा रहे हो धोखा पर... देने से मेरा सवाल ये था कि आपने हर दिन यहाँ पे प्रटेंड किया है कि नाजिला तुमने ये टी शर्ट भेजी नाजिला यस ये तो फिर वो क्या था फिर आ, एक ऐसा ही कि आपका एक चीज़ है जो आपने पब्लिकली कही नहीं है और पब्लिकली आपने ब्रेकअप के बारे में कहा नहीं है और आप कहीं ना कहीं सोचते हो कि यार मैं उस चीज़ को इस तरह नहीं कहना चाहता कि सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा और मैं बोलता हूँ ना मेरी लाइफ में हमेशा ये प्रॉब्लम रही है जिससे मेरा फ़ायदे नुकसान बहुत हुए कि मैं चीज़ों को टाइम दे देता हूँ जाकर बात करके सॉल्व करने की बजाय कि मैं टाइम लेना बहुत चाहता हूँ जिसकी वजह से प्रॉब्लम होता है और वही चीज़ मैंने फेस करी और उसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ रही बात फैंस की तो डेफिनेटली कुछ फैंस जो होते हैं मैं भी देखता हूँ कि वो जानते हैं कि नहीं भाई ये तुम्हारा पर्सनल है भाई मेरे को स्टैंड अप दो ये पर्सनल है शायरी सुनो अरे ये छोड़ो मेरे को नहीं जानने का तुम्हारा शो कहाँ भी है टिकट बताओ है तो ये भी फैंस होते हैं और कुछ फैंस होते कि वो ये भी जानना चाहते हैं तो ये स्टार होने की या फेमस होने की एक कीमत है कि भाई हमारे को तुम्हारे को सब जानना और हम कुछ नहीं कर सकते उस बारे में आई एम वेरी ओके दोनों फैंस के लिए और रही बात गेम शुरू नहीं किया yeah. सच में चार हफ्तों तक तो यहाँ पे हमें समझ नहीं आता था हमें लगता था हम दिमाग लगा ले लेकिन हमें तुरंत ही कॉल आउट किया जाता था कि तुम ये जो कर रहे हो ये गेम नहीं है वो नहीं है तो मैंने कभी ज़िंदगी में बिग बॉस तो नहीं किया मैं जो एक पर्सपेक्टिव परूंगा नहीं खा सकते भाई, एड़ा नहीं सकते वो शान दिखती है हरकतों में और जेन्य इस घर में यहाँ पे भाई जो फील होता है ना वो बाहर फील नहीं होता ऐसा लगता नए कपड़े पहन के खाना खाना है बस ऐसा नहीं है भाई किस चीज से हम लोग गुजरते ना मेंटली ये वो इमोशन से वो यहाँ आके रियलाइज होता है और कहीं ना कहीं एक वक्त के बाद आपको गेम समझ नहीं आता और आप चीजें तो बोलते कि मैंने अभी तक गेम खेलना शुरू नहीं किया लेकिन आपको रियलाइज होता है कि गेम तो खेलना ही नहीं है ऑलरेडी गेम में हूं मैं और मुझे कुछ नहीं करना है मुझे बस रहना है और एक टाइम में तो ऐसा भी आया था कि मुझे लगता है मुझे बस जिंदा बाहर जाना है तो कहीं ना कहीं हर चीज से लड़ते 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 मैं यहाँ तक पहुंचाऊँ और यही मेरी जर्नी लगता है कि कहीं ना कहीं अब अगर आप जीत नहीं पाए तो कहीं ना कहीं इसमें आपकी लव लाइफ का बहुत बड़ा हाथ रहेगा आ, में वो मैं किसी भी आ, मेरे कामयाबी के लिए फेलियर के लिए ना मैं किसी को कोसता नहीं हूँ हमेशा से रहा है कि नुकसान से नुकसान होगा मैंने अपने दुश्मनों को भी कभी परेशान नहीं किया तो मैं ऊपर वाले को ही सोचता हूँ कि अगर हो जाता तो मेरी मर्ज़ी नहीं हुआ तो उसकी मर्जी तो उसकी मर्ज़ी में मैं क्वेश्चन नहीं करूंगा और आप सच में मेरी ज़िंदगी में देखोगे कि कभी भी कभी भी आप पीछे की ज़िंदगी उठाकर देखोगे मेरे कभी भी फेलियर हुए मैंने कभी भी किसी को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया या ट्विटर पे या कमेंट सेक्शन में किसी के बारे में कुछ गलत नहीं कहा तो आई एम वेरी श्योर कि मैं कभी किसी को इल्ज़ाम नहीं देता हूँ तो अगर ये भी हुआ तो मैं मान लूँगा ये मेरे नसीब में लिखा हुआ होगा और अगर मेरी लव लाइफ के वजह से आप जो बोल रहे हो कि मुझे नुकसान होगा तो नहीं वो लव लाइफ वो मेरी वजह से मुझे नुकसान होगा और जो नुकसान मैं समझ के अपनी जिंदगी में उसको बेहतर कर लूँ कि भाई बेहतर इंसान बन के निकलना है तो शायद वही आगे की जिंदगी में काम आएगा मेरे को और जीत के तो इंशाला मैं जाऊँगा <laughs> क्या बात है अंकिता मेरा अगला सवाल मेरा आपसे है अंकिता मेरा अगला सवाल आपसे है कई बार आप पास्ट रिलेशनशिप को लेकर आप डिस्कस करती नजर आई <laughs> हाय प्रियंका सिंह दैनिक जागरण से अंकिता मेरा सवाल आपसे ही है कुछ दिनों पहले विक्की आपसे कुछ बात कर रहे थे और आपने कहा कि मेरे लिए कोई नैरेटिव सेट मत करो जबकि आप विक्की के लिए लगातार नैरेटिव सेट कर रही हैं चाहे वो आप आप जैसे कि कहती हैं कि इनसिक्योर हो पॉजिटिव हों बहुत सारी चीज़ें लेकिन आपने एक वर्ड कह दिया उनके लिए वुमेनाइज़र बाहर वो वुमेनाइज़र लगेगा वो वर्ड लोग लेते हैं घर में उसके बारे में बहुत सारी बातें हुई उसके बाद जो शायद आपको नहीं पता लेकिन आपको लगता नहीं है तो आप खुद मत एक नहीं, सेट नहीं, नहीं, करो। वो आप समझ सकते हो कि वो इंटेंशनल नहीं। मैं विकी को बताने की कोशिश कर रही थी कि तू ऐसा ना लगे और मैं यू नो वो वर्ड गलत था जिसकी वजह से वो मुझे नहीं बोलना चाहिए था आपसे मेरा एक सवाल है आप आप अपने हमेशा कहते आए हैं कि आप अकेले खेल रही हैं अकेले खेल रही हैं okay. और आप सब बातों पर जवाब देती हैं कुछ गलत होता है जवाब देती हैं पिछले दिनों आपको ईशा ने बहुत कुछ बोला बार डांसर बोल दिया आपको उन्होंने कैरेक्टर लेस बोल दिया आप उसके बाद ब्लैंक क्यों हो गई कि अब मैं क्या बोलूं आपके लिए अभिषेक को आगे आना पड़ा अभिषेक ने कहा कि मत बोलो आपने क्यों नहीं बोला आप तो हर जगह अंकिता को चुप करा देती हैं आप गलत बोल रहे हो मुनावर को चुप करा देती हैं पीठ पीछे बहुत सारे कमेंट्स करती हैं और जो आपको शायद लगता है कि वो बहुत बचपने में जा रहा है लेकिन आप करती हैं तो जब आप पर बात आती है फिर आप शांत क्यों हो जाती हैं आप वहाँ पर जवाब क्यों नहीं देती बिकॉज़ ईशा मेरे उस मोमेंट पे थी एक टाइम था जब अनुराग और मुनावर मेरे सच में कुछ भी हो चाहे जितनी भी फाइट हो बट मतलब मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा शो में फील करती हूँ मतलब लाइक like, अनुराग एक ऐसा इंसान है जिसके साथ मैं आठ घंटे आज भी बैठ के उस सोफ़े पे बात कर सकती हूँ बिकॉज ही इज़ ऑलवेज अवेलेबल और बहुत ही वेलकमिंग पर्सन है जब कॉन्वर्सेशन करनी है वो कभी नहीं कहेगा हाय मैं थक गया बट मुनावर एक ऐसा इंसान है जो मेरे जज्बात बहुत ज़्यादा समझता है शो में आज भी समझता है चाहे मैं कुछ भी बोल दूँ बट आई नो वो समझता है और मैं भी समझती हूँ बट लड़ाई अभी चल रही है चलो वो छोड़ो बट द थिंग इज़ कि ईशा के टाइम ये था कि एक दिन ऐसा हुआ कि अनुराग वहाँ पे अंकिता के साथ बैठा हुआ था और आई डोंट लाइक लिसनिंग कि कोई प्राइवेटली क्या बात कर रहा है और मुनावर उस सोफ़े में आयशा के साथ बैठा था और मैं यहाँ पे थी मुझे मुझे लग रहा था मैं रिलैक्सड होने और यहाँ पे इन सर ने मुझे Uh, मतलब वहाँ पे नॉमिनेशन के बाद कैप्टेंसी टास्क से भी हटाए तो समथिंग वॉज देर कि एक ही हफ्ते में बहुत कुछ हो गया था और अनुराग ने मुझे नॉमिनेट भी कर दिया था सो दे वॉज टू मेनी थिंग्स तो मेरे को लग रहा था कि अभी तो इस घर में कुछ है ही नहीं तो चलो कुछ नहीं तो योगा कर लेते हैं तो आई वॉज़ रियली स्ट्रगलिंग कि मैं अपना योगा मैट का प्लेस करूं मुझे इतना ऑकवर्ड लग रहा था दोनों तरफ से तो so मैं अंदर गई एंड फॉर सम मोमेंट ईशा वहाँ पे आई एंड शी अंडरस्टूड कि वो मेरा पूरे शो में मैं कह सकती हूँ सबसे लोएस्ट पॉइंट था उस टाइम समर्थ था ईशा थी विक्की भैया थे दो दिन तक और वो रिस्पेक्ट हमेशा रहेगी उसके बाद ईशा मेरे साथ कंटिन्यूस थी समर्थ मेरे साथ कंटिन्यूस था तो जब ईशा टास्क के बाद बदली मैं उस चीज़ को डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रही थी कि ईशा सब कुछ बोले अंकिता जी कुछ बोले आयशा कुछ बोले बट तू ऐसा कैसे बोल सकती है मतलब यहाँ पे मुनावर और ये सब बोल रहे थे ये तो अब तेरी कज़न नहीं रही ना ये तो अब आयशा की कज़न हो गया बट आई वॉज़ लाइक नहीं ये मेरी दोस्त है और वो ऐसा क्यों बोल रही है मुझे वो रजिस्टर ही नहीं हो पा रहा था और मैं उससे एक्सपेक्ट ही नहीं कर पा रही थी इवन विक्की भैया भी बाद में आई वॉज लाइक क्या हुआ तुझे अगले दिन आए एंड आई वाज लाइक मुझे सबका समझ आता है बट ईशा ऐसा क्यों कर रही है मुझे नहीं समझ आया एंड आई कुड नॉट डाइजस्ट कि वो बार गर्ल एंड यू नो बहुत सारी चीज़ें बोल रही थी वो जाते जाते भी तीन बार सॉरी बोल के गई है काइंड ऑफ शी वॉज ऑल्सो फीलिंग बिकॉज आई डोंट नो एक था कि आज भी मैं बाहर कॉफ़ी शॉप जाऊँ मे भी लोखंड वाला में जाऊँ तो आई कॉलर ईशा तू किधर है और वो दो मिनट में आ जाएगी आज भी वी शेयर दैट बॉन्ड सो so, मुझे उससे जवाब ही नहीं दिया जा रहा था कि टास्क खत्म हो गया मैंने बोला भी तू पानी डाल दी थी वो तू क्यों ऐसा रिएक्ट कर रही है एक टास्क था तू उसको नॉमिनेशन की तरह ले एंड टेक इट कि तू नॉमिनेटेड हो गया एंड यू शुड बी कॉन्फिडेंट डोंट बी डेस्परेट यू शुड बी कॉन्फिडेंट यू विल कम आउट ऑफ इट और मैं उसको जवाब दे के और गंदी क्यों बनूँ यू नो लेटर जस्ट डू जो वो कर रही है मे बी वो बाद में ठीक हो जाएगी तो ये था सो so. हेलो गाइस मैं उपमा सिंह हूँ नवभारत टाइम्स से मेरा सवाल तो ये जो शो की क्लोथी क्यूट जोड़ी बची हुई है उससे था लेकिन उससे पहले अभिषेक मैं आपको करेक्ट करना चाहती हूँ जो बात आपने अभी यहाँ पे कही मुनव्वर एंड आयशा के रेफरेंस में कि इट्स ओके आई कैन अंडरस्टैंड पंजाबी मुंडे होते हैं हो जाता है ऐसा करते लड़की को पीटना लड़की को चीट करना मर्दानगी नहीं होती <laughs> मैंने ये नहीं बोला आपने बोला मैंने ये नहीं बोला मैं, मैं क्या बोल रहा था कि मैं इसको यही मतलब बोल। बोला कि तू गलत है पर मेरे को इसको साथ इसके साथ खड़ा होना है मैंने इसको हमेशा ये बोला कि तू गलत ही है मैंने अभी भी यही बोला कि मुनावर तू गलत ही है जो तूने किया वो गलत ही है बट मैंने ये बोला कि जो अब